नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू ब्लॉग, एक और नई जर्नी में। आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूं हरिद्वार की मेन मार्केट यानी हरिद्वार से जो मनसा देवी और हर की पैड़ी और आगे यही रास्ता भीमगोड्डा वगैरह पे जा रहा है, मेन मार्केट में जा रहा है। और यहीं से बहुत खूबसूरत लग रहा है, सुबह का 3:30 बजे का नज़ारा है ये, देखो आप कितना बेहतरीन और प्यारा लग रहा है। और ये आ गया अपना बस स्टैंड, हरिद्वार बस स्टेशन। कितनी भीड़ है, कितनी चहलकर्मी है इस वक्त सुबह के 3:30 बजे भी हरिद्वार में। देख लो ये हरियाणा रोडवेज पानीपत की बस निकली है और हम इन सबको ओवरटेक करते हुए हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। ये बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के सामने की मार्केट इस टाइम भी ऐसे ओपन है जैसे कि 6:00 बज रहे हों। देखो आप कितनी चहलकर्मी है इस वक्त भी, सुबह के 3:30 बजे कितनी चहलकर्मी है यहाँ पर। और उत्तराखंड परिवहन डिपो, हम क्रॉस करते हुए और ये है जी उत्तरांचल बस डिपो हरिद्वार रेलवे स्टेशन, उत्तर रेलवे हरिद्वार में एंटर करते हुए सामने बड़ा सा हरिद्वार रेलवे और इसकी पार्किंग। इधर देखो दोस्तों कितनी भीड़ और कितने यात्री आए हुए हैं, बहुत सारे यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं। ये यहाँ का जर्नल टिकट काउंटर और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर बढ़ रहा हूँ जहाँ पे लगी हुई है 04501 हरिद्वार ऊना हिमाचल मेमू एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि हाल ही में 29 फरवरी 2024 को सहारनपुर तक चलती थी। पहले ऊना हिमाचल से हरिद्वार तक एक्सटेंड किया गया, इसमें ही अपना सफ़र करेंगे। दोस्तों 25 रुपये का मेरा जर्नल कोच का टिकट आया है, इसमें 12 मेमू कार लगे हुए हैं, मतलब कार कोच लगे हुए हैं और बिल्कुल ऑन डॉट टर्न टाइम पे 9 नंबर प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पे डिपार्चर हो गया है हरिद्वार ऊना हिमाचल मेमू एक्सप्रेस का 9 नंबर प्लेटफॉर्म से। देखो सामने घड़ी में भी नज़र आ रहा है सुबह के 4:30 बजे सामने खड़ी है हरिद्वार दिल्ली पैसेंजर ट्रेन जो वाया शामली बड़ौत होते हुए जाती है। इधर WAG9 ऊना हिमाचल मेमू ट्रेन अब मुरादाबाद अंबाला मेन लाइन पर चल रही है, हरिद्वार लाइन को बाईपास कर दिया है, अब सहारनपुर की ओर बढ़ती हुई अपनी ऊना हिमाचल मेमू ट्रेन।
दस मिनट बिफोर अराइवल हो रहा है, 5:15 बजे, 5:30 बजे का अराइवल टाइम था, पर 5:15 बजे यहाँ पर अराइवल हो रहा है रुड़की में। ऊना हिमाचल मेमू ट्रेन का रुड़की में 5 मिनट का होल्ट था, बट अपने ट्रेन यहाँ पर 15 मिनट होल्ट करने के बाद 3 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्ट हो रही है डॉट ऑन टाइम। और सूर्योदय का जो खूबसूरत नज़ारा हुआ है यहाँ पे, लाहौरी एक्सप्रेस अमृतसर देहरादून का अराइवल हो रहा है रुड़की रेलवे स्टेशन पर। और इस ट्रेन का अमृतसर से देहरादून का फुल ब्लॉग आपको मेरे चैनल पर ही जाकर देख लें, फुल ब्लॉग मिल जाएगा। मेमू एक्सप्रेस अराइविंग ऑन सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मैंने इसका इस ट्रेन का 045-01 का फुल ब्लॉग बनाया हुआ है, बट सहारनपुर से नहीं बनाया था, अपने होम टाउन यमुनानगर जगाधरी से बनाया था। और सामने आ चुकी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा धाम से ऋषिकेश उत्तराखंड जाने वाली हेमकुंट एक्सप्रेस, और दबा के भीड़ है इस टाइम देखो, और अपने समय से 1 घंटा देरी से चल रही है हेमकुंट एक्सप्रेस। और अपना 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल हो रहा है सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के, 045-01 हरिद्वार ऊना हिमाचल एक्सप्रेस अपने 30 होल्ट पर स्टे करती है, और टोटल ही 331 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। हरिद्वार एक्सटेंड होने के कारण 76 किलोमीटर बढ़ गए हैं, अदरवाइज ये ट्रेन पहले 255 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती थी। और मैंने जो अपनी जर्नी की थी वो अपने होम टाउन यमुनानगर जगाधरी से करी थी, सहारनपुर से स्टार्ट नहीं की थी, इसी वजह से मैंने इस ट्रेन का ये एक्स्ट्रा ब्लॉग बनाया है। और ब्लॉग्स की तरह इस ब्लॉग को भी दोस्तों प्यार देना, बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करने के लिए आ रहे हैं इस ट्रेन में, और ये ट्रेन मोस्टली हमारे श्रमिक भाइयों के लिए है जो सुबह काम करने के लिए अपने घर से दूसरे शहर में आते हैं। सस्ता, सोभर और जल्दी रास्ता तय करने वाली मेमू ट्रेन। सहारनपुर से डिपार्चर होता हुआ 1/2 घंटे रुकने के बाद 6:30 बजे नेट
सहारनपुर के 6 नंबर प्लेटफॉर्म से ऊना हिमाचल एक्सप्रेस मेमू एक्सप्रेस का सहारनपुर से डिपार्चर हो गया है दोस्तों। पिलखनी रुकी खड़ी हुई है, पिलखनी में भी इस ट्रेन का हॉल्ट है बट मैंने पिलखनी में ज़्यादा कुछ दिखाया ही नहीं और बहुत सारे पैसेंजर बहुत सारे श्रमिक अपने श्रमिक जो काम करने के लिए यमुनानगर जगाधरी आते हैं वो उन्होंने ट्रेन को बोर्ड कर लिया है। कुछ बाहर के नज़ारे, सरसावा रुकी है ट्रेन, सरसावा से भी बहुत सारे अपने श्रमिक भाई काम करने के लिए यमुनानगर जगाधरी आते हैं। माता यमुना जी के किनारे बसा हुआ ये सुंदर शहर यमुनानगर जगाधरी, यमुना जी को देख लो सवेरे सवेरे दोस्तों, और अपने यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल एक्यूरेट सुबह के 7 बजे अराइवल होता हुआ ऊना हिमाचल मेमू एक्सप्रेस का सामने से गुड्स ट्रेन क्रॉस हो रही है। यमुनानगर जगाधरी के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइविंग करती हुई 045-01 मेमू एक्सप्रेस, और देखो भीड़ उतरने वाले यात्रियों की कितनी सारी थी यमुनानगर जगाधरी में, बहुत सारे यात्री उतरे हैं, बहुत सारे श्रमिक भाई उतरे हैं। ये अपनी मेमू ट्रेन बाहर से यमुनानगर जगाधरी अमृत भारत योजना के तहत चेंज हुआ रेलवे स्टेशन जैन